हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी वीडियो हमारी डाली जा चुकी हैं, तो वो आपने देख ली होंगी। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी आपको लग रही होंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो कक्षा 12 का पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। कक्षा 12 के पार्ट 2 में पहला चैप्टर जो है हमारा अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम आज अध्ययन करेंगे कि क्या होता है प्रकाश। तो आते हैं बात प्रकाश की कि प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज लाइट। नॉर्मली सब प्रकाश के बारे में जानते हैं, जैसे कि सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। क्या सूर्य के अलावा भी कुछ वस्तुएं हैं जो हमें प्रकाश देती हैं? जी हाँ, कई सारी वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता है यानी बिजली का बल्ब। इसके अलावा बिजली की ट्यूबलाइट जो कि बिजली से चलती है। इसके अलावा मोमबत्ती से भी हम प्रकाश ले पाते हैं, और यहाँ तक कि चंद्रमा भी हमें प्रकाश देता है। पर इसमें ये समझने वाली बात है कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वयं प्रकाश देती हैं और कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वयं का प्रकाश जिनका नहीं होता। जैसे कि सूर्य, तो सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य में ऐसी क्रियाएं होती हैं, कहते हैं सूर्य जो है हीलियम से बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम का एक मिश्रण है सूर्य पे। तो वहां एक नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा हम तक प्रकाश के रूप में पहुंचती है। इसी प्रकार यदि हम देखें जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त। ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, प्रकाश उत्पन्न करने वाली तो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कौन सी होंगी? प्रदीप्त कहलाती है। इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार प्रदीप्त वस्तुओं में हमारे पास सूर्य जो कि काफी लंबे समय तक चलने वाला एक वस्तु है, ठीक है। इसके अलावा हम ले लेते हैं मोमबत्ती। मोमबत्ती में भी स्वयं का प्रकाश होता है। जब हम मोमबत्ती की लौ को जला देते हो तो वो प्रकाश उत्पन्न करना स्टार्ट कर देती है, कि जब तक कि उसका मोम पिघल कर खत्म नहीं हो जाता। इसी प्रकार बिजली का बल्ब बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य, मोमबत्ती, बिजली का ट्यूबलाइट, ये सारी जो है प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर देती है। बिजली का बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाने के बाद में बिजली का बल्ब खुद स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें ट्यूबलाइट भी यही काम करती है, और मोमबत्ती को जलाने के बाद उसकी बाती जलाने के बाद में मोमबत्ती भी स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है। आती है बात, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उनको कहते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये इल्यूमिनेशन होती हैं, इल्यूमिनस वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि कुर्सी, मेज, पेंसिल, पंखा, गाड़ियां, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ठीक है। तो जब ये स्वयं का प्रकाश नहीं होता तो हमें दिखाई कैसे देती है? अब आते हैं बात इनके दिखाई देने के ऊपर कि प्रकाश
जो सोम उत्पन्न करती है वो प्रदीप वस्तु, जो सोम का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उन्हें कहते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं सोम का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती। तो ये अदीप्त वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है? तो दिखाई देने के लिए हमारे पास प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास सूर्य से या फिर बिजली के बल्ब से, मोमबत्ती से हमें प्राप्त हो जाता है। तो क्या इसके पीछे परिघटना है? परिघटना यदि हम देखें तो क्या परिघटना है कि ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, परंतु ये कब दिखाई देती हैं? ये दिन के समय हमें दिखाई देती है, दिन के समय। यदि अब रात के अंधेरे की बात करें तो यही कुर्सी मेज हमें दिखाई देना बंद हो जाते हैं। यदि रात के अंधेरे में दिन के समय हमें दिखाई देती है, ये हमारे लिए विजिबल होती है, परंतु रात्रि के समय, रात्रि के अंधेरे में क्या हमें दिखाई देती है? यदि वहां किसी प्रकार का भी प्रकाश ना हो रात्रि में, तो क्या हमें ये वस्तु दिखाई देती है? नहीं, ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? तो ये परिघटना है जो कि हमें समझनी है। तो परिघटना क्या है? परिघटना है प्रकाश की एक परिघटना इसके अंदर अंतर्गत आती है, जिसके अनुसार जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है, तभी ये वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये वस्तु कब हमें दिखाई देगी? जब प्रकाश होगा। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, कुर्सी मेज, आपका घड़ी, पेंसिल, पंखा, गाड़ियों पर जब प्रकाश पड़ता है तभी वे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि उससे टकराकर वे वस्तुएं हम तक आती हैं। तो ये टकराने की, प्रकाश से टकराकर हमारे तक पहुंचने की जो परिघटना है, इसको कुछ नाम दिया गया है। तो उस परिघटना को नाम दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही चैप्टर का हमारा नाम है। तो प्रकाश के परावर्तन के परिघटना के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश वस्तुओं से टकराकर यानी कि परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और वस्तु और हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ेंगे और साथ में आज की वीडियो में हम प्रतिबिंब भी पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, और प्रतिबिंब कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं ये आज हम देखेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की परिघटना पर। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? ये कौन सी परिघटना है जिसको हम समझने वाले हैं? तो परिघटना मैंने बताया कि परावर्तन होने के पश्चात ही प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है जिन वस्तु से प्रकाश परावर्तित हुआ। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, वो चिकना पृष्ठ होने लगे, जैसे कि शीशा आप कह सकते हो, ग्लास कह सकते हो, समतल दर्पण आप कह सकते हो, तो जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाता है जिस माध्यम से प्रकाश आया था, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं एक चित्र बना लेता हूं। एक चित्र में क्या है कि ये हमारा एक, हमने एक समतल दर्पण ले लिया है, समतल दर्पण ले लिया, इसे हमने कहा एम एम डैश, हमने एक समतल दर्पण को नाम दे दिया। ये एक चिकना पृष्ठ है। इस चिकने पृष्ठ के एक ओर जो है कलई की हुई है, मतलब ये समझ के चलिए कि एक तरफ एक शीशा होता है, तो शीशे के जब एक पृष्ठ पर आप चांदी का लेप कर देते हो और उसके ऊपर लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हो, तब ये एक शीशा बन जाता है, दर्पण बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण।
इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर, तो ये प्लेन मिरर बन जाता है। इस प्लेन मिरर में जब एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से एक सीधी किरण प्रकाश की जब इस समतल दर्पण पड़ती है तो ये टकराकर ये वापस हो जाती है। तो वापस किस जाएगी, ऐसे जाएगी इस तरह से, तो जब दूसरी दिशा में चली गई, यहां टकराई इस बिंदु पर मिली और यहां से टकराकर वापस लौट गई, ठीक है। तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो परिघटना हुई कि किरण टकराई प्रकाश की और वापस लौट गई, तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। अब इस माध्यम को कैसे आप कहेंगे कि कौन सा माध्यम क्या है, तो हम ये कहते हैं कि इसे मान लेते हैं माध्यम एक है, माध्यम एक ले लिया और नीचे जो तल के नीचे होगा वो होगा माध्यम दो। तो माध्यम एक और माध्यम दो, तो क्या माध्यम के अंदर जाइए दूसरे माध्यम के अंदर, नहीं, ये इसी माध्यम से आई और इसी माध्यम में वापस चलेगी। तो ये माध्यम क्या था, यहां माध्यम में वायु और ये नीचे जो इसके अंदर है वो है कांच, तो कांच के माध्यम में अंदर प्रवेश न करके ये बाहर की बाहर लौट जाती है। तो इसे कहते हैं एक माध्यम से आई और उसी माध्यम में वापस हो गई। इस जो ये किरण आती है और जो दर्पण में पड़ती है ओ बिंदु पर, इसे कहते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं इसे। और जब ये आपतित किरण बिंदुओं पर टकरा कर वापस हो जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण हो जाती है। यदि हम इस ओ बिंदु पर एक बिल्कुल सीधा अभिलंब डाल दें, ओ बिंदु पर, तो इसे क्या बोलेंगे, हम अभिलंब बोलेंगे। ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम कोण आई कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलते हैं, यानी कि आपतित किरण, आपतित कोण, और जो ये कोण होता है, जो दूसरा कोण बनता है, इसे बोलते हैं आर, यानी कि परावर्तन कोण। तो आई क्या है हमारा, आई आपका हो गया आपतन कोण और आर क्या हो गया आपका परावर्तन कोण। आपका ओ बिंदु क्या है, ओ बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु, और ये जो रेखा गई है ये ओ ए, इसे हम ओ सी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ सी क्या है आपकी, ओ सी है आपका अभिलंब, ए ओ क्या है, ए ओ है आपका आपतित किरण, आपतित किरण। और जो आपकी ओ बी है, ओ बी आपकी है परावर्तित किरण। तो इस प्रकार से सारे बिंदु आपको स्पष्ट हो गए होंगे और ये आपका एम एम डैश समतल दर्पण आपके पास था, एम एम डैश आपका समतल दर्पण। अब यहां बात आती है, जब परावर्तन हुआ एक समतल पर से परावर्तन हुआ तो यहां पे कुछ परावर्तन के नियम आ जाते हैं, ठीक है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो वो दो नियम क्या होते हैं वो देखते हैं। तो अब हम परावर्तन के नियम देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो परावर्तन के नियमों में आपने ये देखा कि जब एक समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, ये आपतित किरण है जो कि ओए है और ये परावर्तित हो जाती है, तो हमारे पास क्या क्या है, एक आपतित किरण है और एक परावर्तित किरण है और साथ में अभिलंब उन्होंने डाल दिया है, ठीक है। अभिलंब बिल्कुल सीधा अभिलंब होता है। तो इसमें पहला नियम आता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण एओ, परावर्तित किरण ओबी और अभिलंब ओसी, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा, हमने जो है 11th क्लास में पढ़ा था कि तल क्या होता है, तल एक समतल या तल कह लीजिए उसे, वो क्या होता है, उसमें हम दो अक्षों का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, दो अक्षों का प्रयोग करते हैं। एक तीसरी अक्ष भी होती है जो कि हम जेड एक्स बोलते हैं,
जब हम केवल दो ही एक तल का प्रयोग करते हैं तो उसमें केवल दो ही निर्देशांक लिए जाते हैं, तो उसे हम तल कहते हैं। तो जैसे कि कागज, कागज में केवल दो ही अक्षों का प्रयोग किया जाता है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। जैसे कि कागज आप मान लो इस तरह से कागज हो गया, एक कागज है ठीक है, तो ये कागज का जैसे तल है, तो ये इस तल की हमें यहाँ पे बात हो रही है कि परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि जो ये तीनों के तीनों है वो एक ही तल में होंगे, यानी कि इस तरह से यहाँ पे परावर्तन इस तरह से होगा ठीक है, ये हो तो इस तरह से परावर्तन एक ही तल में होता है, तो उसे हम कहते हैं परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके अब बात आती है नियम दो की। तो नियम दो क्या है? नियम दो ये है कि जब एक समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है तो उसका कोण अभिलंब के साथ जो बनता है, और जो परावर्तित किरण है उसका जो कोण अभिलंब के साथ बनता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन आपतन कोण, परावर्तन कोण आर बराबर आपतन कोण आई, तो ये बराबर हो जाते हैं। अब एक परिघटना और है इसके अंदर, वो परिघटना क्या है? उस परिघटना में ये आता है कि जब एक समतल दर्पण पर एक किरण, एक समतल दर्पण ले लिया हमने, एक किरण अभिलंब के अनुसार आपतित होती है, अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, यानी कि आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। जब इस अभिलंब की अनुदिश आपतित होती है, पहले कैसे आपतित हो रही थी? पहले अभिलंब से कोण आई पर आपतित हो रही थी, अब वो कोई कोण नहीं बनाती, अब वो कोण जो है वो कुछ नहीं बनता उसका, यानी कि जीरो कोण है, अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है, तो इसी अभिलंब के अनुदिश ये परावर्तित हो जाती है, ये इसी के अनुदिश आपतित हुई थी और इसी के अनुदिश वापस चली जाती है ठीक है। तो ये आपकी परावर्तित किरण थी, परावर्तित, और ये आपकी आपतित किरण थी और ये आपकी परावर्तित किरण होगी। तो इसका मतलब अभिलंब के अनुदिश यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह है उसी मार्ग से वापस चली जाती है, और ये केवल इसी समतल दर्पण की स्थिति में नहीं होता, यदि आप दर्पण कुछ और भी ले लेते हो, जैसे कि मैं एक दूसरा दर्पण बनाता हूं, एक दूसरा दर्पण मैं अवतल दर्पण बनाता हूं, अभी अवतल दर्पण आपको समझाने गया है परंतु उसका मैं चित्र बना देता हूं, तो एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है ठीक है, तो उसमें से मैंने अवतल दर्पण ले लिया है, ये अवतल दर्पण होता है जिसकी जो उभार उभार वाला पार्ट होता है, उभार वाला भाग जो होता है, जिसका उभार भाग की तरफ होता है, उधर तो हम उस पे चांदी का लेप लगा के लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, और इधर से ये जो दबा हुआ भाग है अंदर की ओर, यहां पर यहां से किरण का परावर्तन होता है, तो यहां किरण कहां जा रही है? अभिलंब के अनुदिश जा रही है, ये अभिलंब है, ये ओ और ये आपका सी मान लिया, तो जब इसके अनुदिश आपतित होती है तो ये वापस भी इसी के अनुदिश हो जाती है ठीक है। तो ये अवतल दर्पण की स्थिति है और ये आपकी समतल दर्पण की स्थिति ठीक है। तो जब अभिलंब के अनुदिश आपतित होगी तो ये वापस भी इसी के अनुदिश हो जाती है ठीक है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की। जैसे कि आप जब अपने घर के शीशे के सामने खड़े होते हो, यानी कि दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो जो घर में जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? वो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। जब आप उसके सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी छवि उसके अंदर दिखाई देती है, आपको दिखाई देते हैं देता है कि आपको कैसे लग रहे हो ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, किस प्रकार के प्रतिबिंब हम जो है दर्पणों के द्वारा देखते हैं, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब की इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण, यदि कोई बिंदु वस्तु, कोई दूर कोई वस्तु रखी हुई है और उससे कोई प्रकाश किरण चलती है। हमने ये अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि
प्रकाश जब वस्तु पर पड़ता है और उसके बाद हमारी आंखों तक आता है तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर उससे टकराकर हम तक पहुंचता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे, एक चित्र से समझेंगे कि किस प्रकार से किरणें आती हैं और किस प्रकार से परावर्तित होती हैं और जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने ये मान ली कि ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं दर्पण की ओर, एक प्रकार का मैंने दर्पण ले लिया है। ये दर्पण को मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, परंतु यहाँ पर समझाने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता, तो हमने एक दर्पण ले लिया है, इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या हुआ कि अवतल दर्पण पे कोई दूर वस्तु यहां रखी हुई है, जैसे कि यहां भी हो सकते, पीछे और पीछे भी हो सकते, तो एक दूर वस्तु से कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण की ओर आ रही है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाना है। तो जब प्रकाश किरणें इस तरह से आती हैं, मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये पी इसका ध्रुव होता है दर्पण का और ये सी इसका वक्र का केंद्र होता है। तो जब इसके समांतर कुछ किरणें आती हैं और दर्पण पर पड़ती हैं, तो ये किरणें कहां से आ रही है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही है। कोई मोमबत्ती हो सकती है, कोई बल्ब हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है जिस पर प्रकाश किरण पड़ती है और उस पर टकराने के पश्चात वो दर्पण की ओर आती है, ठीक है। तो जब इस तरह से आती है तो ये दर्पण से, जैसे कि ये किरण आती है, तो ये यहां टकरा करके ये ऐसे मुड़ जाती है, कैसे, इस तरह से मुड़ जाती है। ऐसे ही जब ये एक किरण ऐसे आती है तो ये भी ऐसे मुड़ जाती है, और जब ये वक्र का केंद्र यानी कि मुख्य अक्ष जो है इसके अनुदेश जो है किरण आती है वो इसी पथ पर वापस चली जाती है, वो इसी पथ पर वापस चली जाती है। इसी प्रकार से ये वाली किरण आती है, ये भी इसी पथ जो है, ये किरण जब आती है तो ये टकराकर इधर चली जाती है, ऐसे जब ये किरण आती है तो ये टकराकर इस दिशा में चली जाती है। तो ये सारी किरणें मिलकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु F पर काटती है, कहाँ काटती है, F पर काटती है। तो ये F पर जो है, जो दूर बिंदु वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें यहां प्राप्त हो जाता है, कहाँ प्राप्त हो जाता है, यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो ये वास्तव में मतलब प्रतिबिंब बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के दो प्रकार है, एक तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, एक आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो जो ये वाला प्रतिबिंब मिलता है जो अवतल दर्पण ने बनाया है, इसे कहते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इस बिंदु पर बने पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिनेमा घरों में क्या होता है, सिनेमा घरों में एक पर्दा सामने लगाया जाता है और दूर से प्रकाश किरणें डाल जाते हैं, जो कि किसी फिल्म की प्रकाश किरण होती है तो वो उस पर डलती है, तो उसमें क्या बनता है, चित्र बन जाता है। तो ये वही, उसी प्रकार से इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वहां जो सिनेमा के पर्दे पर बनता है वो भी एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, यदि किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, ये वास्तव में मिलती है और ये वास्तव में नहीं मिलती, ये ऐसा लगता है जैसे कि कहीं दूर से ये आ रही है, बल्कि दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तब इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है और आभासी कैसा होता है। तो वास्तविक, मैंने बताया आपको, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, थोड़ा सा इसका नोट कर लो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा होता है। ये एक स्थिति ऐसी भी होती है जब ये सीधा भी बन जाता है, ठीक है, तो ये वैसे लगभग कंडीशंस में, लगभग स्थिति में उल्टा ही बनता है, ठीक है। पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। आती है बात,
आभासी प्रतिबिंब मिली। आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण में आप देख सकते हो, अवतल दर्पण में जो चांदी की पॉलिश की जाती है और लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है वो उभरे हुए तल पर किया जाता है। वो परावर्तन कहां से हो रहा है? अंदर वाली सतह से। और यहाँ पे अंदर वाली सतह पर पॉलिश की हुई है और परावर्तन कहां से हो रहा है? बाहर की सतह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि किरणें दूर से आती है, आभासी प्रतिबिंब बनने में भी किरणें दूर से आती है, और दूर से आती है तो वो इस तरह से ये मुख्य अक्ष पीसी जो दे रखे मुख्य अक्ष, तो इसके समांतर किरणें आ रही है। जब ये किरण आती है तो वो इधर की तरफ चली जाती है, जबकि अवतल दर्पण में कहां गई थी? अंदर की ओर आ गई थी किरणें टकराकर, जबकि इसमें क्या होता है? किरणें टकराकर बाहर की ओर चली जाती है। तो जब ये इस तरह से किरणें बाहर की ओर जाती है तब किसी भी प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि ये परावर्तन वाली किरणें किसी भी बिंदु पर जाकर नहीं मिलेंगी अब। ठीक है, ये एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, सारी किरणें टकरा जाती हैं, परंतु ये किरणें कोई सी भी आपस में नहीं टकराएंगी, इस वजह से कोई वास्तविक प्रतिबिंब हमें नहीं मिलता। तो कैसा प्रतिबिंब मिलेगा? आभासी। तो ये किरण यदि हम इस किरण को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं, तो ये किरणें पीछे की तरफ एक बिंदु पर काटती हैं जिसे हम एफ कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, इस दर्पण का फोकस है ये। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को आप आभासी कहोगे, क्योंकि ये किरण ऐसा प्रतीत होगी जैसे यहां से आ रही है, पीछे से की तरफ से आ रही है, प्रतीत होगी, ये वास्तव में नहीं आ रही, आती प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत बोली, आती हुई प्रतीत बोली। ठीक है, तो जब किरणें आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन के पश्चात जब किरणें आती हैं वापस और प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम आभासी प्रतिबिंब। तो इस बिंदु पर जो बनेगा, इस बिंदु का वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सीधा। यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यदि वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और यदि वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे, सॉरी, इसमें भी इसमें प्रतिबिंब वो ऐसे ही बनेगा। तो इसमें वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्लियर है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं होता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसका हम केवल अपने कैमरे वगैरह से फोटो ले सकते हैं। तो वो फोटो कैसे ले सकते हैं? इसका एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका समतल दर्पण। जिस शीशे में आप घर पे देखते हो, समतल दर्पण आप देखते हो, जब आप घर में शीशा देखते हो, जो आपको अपनी छवि दिखाई देती है दर्पण के अंदर, वो छवि आभासी होती है, वो छवि आभासी होती है। ठीक है, तो वो छवि वास्तविक नहीं होती, वो छवि आभासी होती है। वो ऐसा लगता है हमें कि अंदर से कहीं से किरणें आ रही हैं वो, और हमारा प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है। ठीक है, उस प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसका केवल हम फोटो ले सकते हैं। यदि एक दूसरा व्यक्ति एक फोटो लेना चाहे उस प्रतिबिंब का, तो उसका फोटो लिया जा सकता है, जबकि उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आप घर में शीशा देखते हो तो उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है या फिर आभासी होता है? तो वो सदैव आभासी होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिबिंब पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते। आप किसी और जगह उस प्रतिबिंब को ले सकते हो? नहीं ले सकते। या तो आप कैमरे से फोटो खींच सकते हैं सेल्फी के रूप में, तो वहां भी उस तरह का वहां पे दर्पण या फिर लेंस यूज करते हैं, और आपकी प्रतिबिंब जो उसमें बनता है वो आभासी बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर दर्पणों के प्रकार देखेंगे, क्योंकि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रतिबिंब तक का हमने बता दिया, तो कितने प्रकार के दर्पण होते हैं और दर्पणों से किस प्रकार से जो है प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब हालांकि मैंने कुछ आपको समझाने के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ बता दिया है, पर तो दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होंगे, किस प्रकार से क्या दर्पण काम करेगा, कहाँ किसका उपयोग है, किस प्रकार से किस दर्पण को उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण को हम कहाँ उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण को हम कहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इनकी उपयोगिता है। ठीक है, तो वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारी जो है इस वीडियो को थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि
ताकि आपको क्लियर हो जाएगी हमने क्या पढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि वहां आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लगातार अपडेट्स हमारी वीडियो के आप तक पहुंचते रहें और आपको लगातार हम अच्छी पढ़ाई कराते रहें। तो दूसरे वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।